नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। आज मैं बताने वाला हूँ आपको बहुत ही प्रचलित टैबलेट जिसका नाम है सिप्लॉक्स। ये सिप्ला लिमिटेड के द्वारा बनाया गया एक प्रोडक्ट है और भारत में किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ये 250 mg और 500 mg के वेरियंट में मिलता है। दोस्तों ये जो टैबलेट होता है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है और इसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों सिप्लॉक्स टैबलेट जो है ये एक एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल है और इसका जो काम होता है बैक्टीरिया को इनएक्टिव करना और उसको किल करना, जिसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन हो वो आसानी से ठीक हो जाता है। ये फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप का एक एंटीबायोटिक है और बहुत ही सुलभ है। इस टैबलेट को लेने के लिए किसी भी डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसको यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों ये जो सिप्लॉक्स टैबलेट होता है ये एक बहुत ही उपयोगी टैबलेट है। इसका इस्तेमाल मामूली फोड़ा फुंसी से लेकर के बहुत सारे और इन्फेक्शन, जैसे कि आपका फेफड़े से संबंधित कोई समस्या हो, आपके गले से, नाक कान से संबंधित कोई इन्फेक्शन हो, यूटीआई से संबंधित कोई इन्फेक्शन हो, तो उसको सही करने में ये काम करता है। दोस्तों ये जो टैबलेट होता है ये 250 mg और 500 mg में उपलब्ध है और 250 mg का जो टैबलेट होता है ये 8 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं उनको दिया जा सकता है सुबह शाम दो टाइम, और जो 500 mg का टैबलेट होता है किसी भी वयस्क को सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम या सुबह शाम दो टाइम डॉक्टर की परामर्श के अनुसार बीमारी की तीव्रता के हिसाब से दी जाती है। इस टैबलेट को खाना खाने के बाद ही लेना सही होता है और इसको जितने दिन डॉक्टर बताए उतने दिन तक लेना चाहिए, और इसको अधिक मात्रा में लेने से इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, कई सारा साइड इफ़ेक्ट है, और कम मात्रा में लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए एंटीबायोटिक को लेते समय बहुत सावधानी बरतना चाहिए। ये टैबलेट जो होता है टाइफाइड के लिए भी बहुत है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। मान लीजिए आपके बॉडी में कहीं चोट लगी है, गुम चोट ही लगा है और सूजन काफ़ी है, तो उसमें भी ये टैबलेट बहुत अच्छा काम करता है। जोड़ों में दर्द और सूजन ये कम कर सकता है, उस कंडीशन में भी ये एंटीबायोटिक बहुत ही अच्छा काम करता है। मान लीजिए आपका नाखून का कोना दब गया है तब भी ये टैबलेट बहुत अच्छा काम करता है। कोई भी और जैसे बुखार है या खांसी है उसमें भी ये टैबलेट दिया जा सकता है, लेकिन जब बुखार के साथ में जुकाम हो तो उस समय इस टैबलेट को देने से या ज़्यादा डोज देने से जुकाम कई बार सूख जाता है, तो सावधानी बरतना चाहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श से आप इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग डॉक्टर के पास में या केमिस्ट के पास में जाते हैं तो एक या दो गोली लेके आते हैं और उनमें से एक टैबलेट खा लेते हैं और फिर बाकी रख देते हैं कि मेरा तो बीमारी सही हो गया। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं है आपको, फिर भी आप लोग एंटीबायोटिक ले लेते हैं और पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं। जब तक डॉक्टर आपको बोलते हैं उतना लेना चाहिए। और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एंटीबायोटिक जो है आप जब भी शुरू करें तो आप 2-3 दिन तक लगातार लीजिए, बीच में ना छोड़िए। उससे ये जो गोली है ये काम नहीं करती है, बाद में ये रेजिस्ट करती है उस बैक्टीरिया के ऊपर, तो दोबारा ये फ़ायदा नहीं करेगा ये गोली, तो आपको बहुत सोच समझ के इस गोली का इस्तेमाल करना पड़ेगा। भारत में आमतौर पर दी जाने वाली जो भी एंटीबायोटिक है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल सिप्रोफ्लोक्सासिन या सिप्लॉक्स टैबलेट का होता है। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रोडक्ट है सिप्ला लिमिटेड का, और सिप्ला लिमिटेड जो है एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है। सोच समझ के और डॉक्टर की सलाह से ना लेने के बाद में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि बॉडी में रेशेज होना, उल्टी होना, उपकाई होना, पेट दर्द, कई बार मल टाइट भी हो सकता है और मल आपका पतला भी हो सकता है, कई बार आपको जाना पड़ सकता है पेट से संबंधित, और बहुत सारा गैस अपच भी बन सकता है आपको। तो ये टैबलेट बहुत ही अच्छा है और इसका जो इस्तेमाल है वो
सोच समझकर ही आपको करना चाहिए। आजकल बिना आवश्यकता के भी लोग कोई भी खुराक देते हैं, उसके साथ में एंटीबायोटिक देते हैं और ये सावधानी नहीं बरतते हैं कि आपको कितना दिन खाना है, एक निश्चित समय सीमा तय नहीं करते हैं या आप उसको नहीं लेते हो ठीक ढंग से, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि सिप्लॉक्स टैबलेट के बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दिया है आपको, तो आपको अच्छी लगी होगी और ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा है हमारा वीडियो, हमारी जानकारी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।